नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, हमारे पास जो है आज एक डेल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल नंबर है इंस्पिरॉन 14 3467। तो दोस्तों, इसमें जो है हमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये टेस्टिंग मेमोरी इन प्रोसेस चलने लग जाता है। तो अभी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है प्रेस एस्केप टू स्टॉप टेस्टिंग और F2 फॉर बायोस। तो एस्केप का बटन हम दबाएंगे तो इससे क्या है, हमारा लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो जाता है। अब जो है हम इसको पावर बटन से ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं डेल का लोगो आ गया है और वापस से जो है हमें वही वाली एरर देखने को मिल रही है, टेस्टिंग मेमोरी इन प्रोसेस। तो दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये पूरा हो जाता है टाइम और सर्च पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है टेस्ट होने के बाद रीस्टार्ट होता है लैपटॉप रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से यही वाली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अब जो है पावर बटन से हम इसको जो है बंद कर देते हैं। पावर बटन से बंद करने के बाद 2 सेकंड तक रुकना है और उसके बाद दोबारा से जो है पावर बटन से लैपटॉप को ऑन करना है और तुरंत ही F2 की को प्रेस करना है। कंटिन्यूसली F2 की को प्रेस करके बायोस सेक्शन में आना है। बायोस सेक्शन में आने के बाद आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो हमें जो है नीचे वाली एरो की को दबाकर लैपटॉप में एडवांस बूट ऑप्शंस में जाना है। तो एडवांस बूट ऑप्शन में हम आ गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और राइट हैंड पे आपको दिख रहा होगा इनेबल लेगेसी ऑप्शन रोम्स। तो हमें क्या है, टच पैड के कर्सर को इस वाले ऑप्शन पे ले जाकर टिक करना है। तो हम जो है टिक कर लेते हैं और नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये अप्लाई के ऑप्शन में कर्सर को ले जाके अप्लाई कर देना है। और उसके बाद जो है हमें ये वाला ऑप्शन दिखेगा सेव एज कस्टम यूजर सेटिंग्स, इस पर टिक करके ओके कर देना है। और उसके बाद ऊपर वाली एरो की को दबाकर पेज अप वाली हमें बूट सीक्वेंस में जाना है। तो बूट सीक्वेंस में जाने के बाद आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, UEFI और लेगेसी। तो इस समय जो है UEFI जो है सिलेक्टेड है, हमें लेगेसी को सिलेक्ट करना है। तो टच पैड के कर्सर को जो है लेगेसी पे ले जाकर क्लिक करना है और नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो अप्लाई के ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक कर देता हूं और उसके बाद वही वाली सेटिंग देखने को मिलेगी सेव एज कस्टम यूजर सेटिंग्स, तो ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इसमें 2 सेटिंग थी, एक तो आपकी थी ये वाली लेगेसी करना था बूट सीक्वेंस में जाके, और नीचे की दबा के दिखाता हूँ एडवांस बूट ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो ये 2 सेटिंग आपको करनी थी, उसके बाद जो है एग्जिट का बटन दबाकर आपको बायोस से बाहर आ जाना है। और अब देखते हैं क्या वो एरर हमारे को देखने को मिलती है या हमारा लैपटॉप जो है ऑटोमेटिकली बूट कर जाता है। तो अभी जो हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है रीस्टार्ट होकर, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो वो टेस्टिंग मेमोरी प्रोसेस वाली जो एरर आ रही थी वो अब नहीं आ रही है, वो बिल्कुल जो है जा चुकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप कंप्यूटर LCD LED रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो अभी जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं डेस्कटॉप तक हमारा लैपटॉप जो है खुल चुका है, वो एरर जो है बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप हमने जो है उसका सलूशन कर लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।